अस्सलामुअलैकुम प्यार दोस्तों, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम मैथमेटिक्स के साथ हाज़िर हैं। ये पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बोर्ड की बुक है, ठीक है। तो ये है 3 से 5 ईयर्स के बच्चों के लिए, जो अब इब्तदाई घर के अंदर जौन सा वो पढ़ाना चाहें बच्चों को, तो आप कैसे पढ़ा सकते हैं। एक कंस्ट्रक्टिव इनका पूरा का पूरा सिलेबस है, ठीक है। तो चलिए आगे इसका रिव्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसे। ये देखिए, ये है जनाब जी इसका इंडेक्स पेज, ठीक है, जिसमें उन्होंने मीन्स बताया हुआ है कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें इसमें कवर की हुई हैं। यहाँ पे ये तमाम तर जो सिंबल्स हैं वो आपको बताएंगे कि यहाँ पे कोई पोइम आ रही है, ये टेक्नोलॉजी के बारे में है, स्टोरी है, पेट्रियाटिज्म है, या ये इधर कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। तो चलिए आइए इसे स्टार्ट करते हैं। इसकी प्राइस आप देख सकते हैं 139 रुपीज़। 139 रुपीज़ के अंदर आपको क्या मिल सकता है। एक बात मैं करूँगी कि जो इनकी बाइंडिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है, बट नॉर्मली आप बच्चों के लिए बुक्स लेते हैं तो आप उनको बाइंड करते ही हैं, बाइंड कर लें तो वो ज़रा ज़्यादा बेहतर रहेंगी, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने स्टार्ट किया है इसे कलर करने से, ट्रेस करने से। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पैटर्न्स, ठीक है, ये बच्चों को हेल्प करते हैं कि आपने किस तरह से जो नंबर्स हैं या जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो आपने कैसे बनाने हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, इनको वेव्स बोलते हैं, ये वेव्स हैं, कर्व्स हैं। तो उसके बाद आ गया जनाब जी रेड कलर। रेड कलर में क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं वो उन्होंने लिखा हुआ है, एप्पल, टमाटो, लेडी बर्ड, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपने कलर करना है, ड्रॉ करना है। नेक्स्ट आप देखें, ब्लू कलर दिया हुआ है उन्होंने, येलो कलर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हाफ साइड दी हुई है, हाफ साइड को उन्होंने कहा है आप ट्रेस भी करें और आपने इसे कंप्लीट करना है, ठीक है। ये थोड़े से आप उसके पहले उनके पहले स्किल्स बनाएंगे, शुरू में ही बच्चों को पढ़ाने, जब भी आप पढ़ाने लगें तो पहले स्क्रिबल करना सिखाते हैं, यूं करके बस लाइनें लगाना सिखाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद उनको पैटर्न्स दिए जाते हैं, पैटर्न्स वो करते हैं, उसके बाद फिर वो एक राइटिंग की तरफ आते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने ग्रीन कलर दे दिया, पर्पल एंड ऑरेंज, ब्लैक एंड पिंक, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है बिग एंड स्मॉल का। जब भी आप मैथ्स की कोई बुक देखेंगे उसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे, बिग, स्मॉल, लॉन्ग, शॉर्ट, ठीक है, थिक, थिन, नैरो, इसका, ये सारी चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट हैं बच्चों को बताना, इनके डिफरेंसेस बताना बच्चों को क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ्स में आप एडिशन करते हो तो चीज़ें मोर हो जाती हैं, आप सब्ट्रैक्शन करते हो तो वो लेस हो जाती हैं, ठीक है। ज़्यादा क्या है, कम क्या है, मैथ्स में आप इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखते हैं ना, प्लस माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो इसलिए बच्चों को ये कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है बिग एंड स्मॉल। और इसमें आप बच्चों को शेर की और चूहे की कहानी सुना सकते हैं, ठीक है, कि छोटा सा जो माउस है उसने कैसे शेर की हेल्प की, शेर ने कैसे माउस को जाने दिया, जो नॉर्मली पढ़ाया जाता है, मतलब स्टोरी आपने भी अपने बचपन में पढ़ी होगी। अब ये देखिए यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं कि आपने कैसे, बड़ी बोर्ड कौन सी है, स्मॉल बोर्ड को टिक करें, बिग कार को टिक करें, ठीक है। अब देखें, बिग, बिगर, बिगेस्ट, ठीक है, कौन सा सबसे बड़ा है बैलून, कौन सा जोन सा है वो इन बिटवीन है, और कौन सा जोन सा है वो सबसे छोटा है। इसी तरह से स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, तो इसकी पहचान बताना बच्चों को, क्योंकि जैसे आप नंबरिंग बच्चों को सिखाते हैं, ठीक है, आप जब उनको नंबर पढ़ाना सिखाएंगे तो आपने ये बताना है इन दो नंबरों में से विच इज़ ग्रेटर, विच इज़ स्मॉलर, टेक द ग्रेटर वन, या फिर सर्कल द स्मॉलेस्ट वन, ठीक है। तो ये बच्चों की मेमोरी के अंदर ये कॉन्सेप्ट इस तरह से हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, अब आ गई है जनाब जी बिग एंड स्मॉल, ये उनकी एक्टिविटी आ गई है कि आपने जो सा है बिगेस्ट को जो सा है वो टिक करना है, स्मॉल को आपने क्रॉस करना है। अब ये देखिए, ऑड वन आउट, ठीक है, इनमें से कौन सी चीज़ है जो डिफरेंट है, आप बच्चों से पूछ सकते हैं। इवन आपका 3 साल का बच्चा है, 3.5 साल का बच्चा है, उससे भी आप ये पूछ सकते हैं कि बेटा बताएं इनमें से कौन सी चीज़ डिफरेंट है, विच वन इज़ डिफरेंट अमंग दीज 3 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो वो बताएंगे एप्पल, बॉल, एप्पल, ठीक है। तो फिर आप पूछेंगे कि हाउ मेनी एप्पल्स, 1, 2, 2 एप्पल्स हैं, बॉल कितने, 1 है, तो कौन सा डिफरेंट है इसमें से, इन 2 एप्पल्स में से और बॉल में से कौन सा डिफरेंट है, तो बच्चा बताएगा कि ये डिफरेंट है। तो उनको ऑड वन आउट का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद पैटर्न्स हैं, ठीक है, तो बच्चों को आपने सीधा 1, 2 से नहीं स्टार्ट करना, पैटर्न्स उनको बताएंगे, ये सर्कल होता है, स्क्वायर होता है, स्टार होता है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, तो इस तरह से आप बच्चों को बता सकते हैं। वो देखो, वो हमारी क्लॉक, क्लॉक ऐसी है, गोल गोल सर्कल, राउंड राउंड सर्कल, ठीक है। इसी तरह से थिन एंड थिक का जो सा वो कॉन्सेप्ट है, उसके बाद उसकी एक्टिविटी है, लॉन्ग एंड शॉर्ट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और फिर उसकी एक्टिविटी है, फिर टॉल और शॉर्टेस्ट का जो सा वो है कॉन्सेप्ट है, और उनके बारे में आपने उसकी एक्टिविटी करनी है, फिर हैवी एंड लाइट का। देखें, इस एक बुक के अंदर आपको ढेर सारी चीज़ें मिल रही हैं कि जिनसे आप हिंट लेके मज़ीद इंटरनेट से सर्च करके आप बच्चों को चीज़ें बता सकते हैं, आप उनके साथ एक्टिविटी करते हैं। जैसे कि हैवी एंड लाइट हैं, ठीक है, आप उनको कहें कि जो उनकी टॉय कार्स हैं वो लेकर आएँ, एक साइड के ऊपर जो उनसे वो सॉफ्ट टॉयज रखें या जो पॉम पॉम्स होते हैं वो रखें, आप बताएं दोनों में से क्या हैवी है क्या लाइट है, ठीक है। इसी तरह से एक पानी की बॉटल उनके हाथ में दे दें, एक रबर उनके हाथ में दे दें, पूछें कि ये पानी की बॉटल हैवी है या लाइट है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों को कॉन्सेप्ट आएगा हैवी लाइट क्या है, ठीक है, ये आगे उनकी एक्टिविटी आ गई। अब
प्रॉपरली वो शेप्स के बारे में बच्चों को बता रहे हैं. शेप क्या है? सर्कल. और उन्होंने डिफरेंट आइडियाज़ भी आपको दिए हैं. सर्कल क्या है? राउंड राउंड सर्कल, गोल गोल सर्कल. गोल गोल को क्या बोलते हैं? सर्कल. चलो बेटा गोल गोल घूम के दिखाओ. बच्चा यूँ स्पिन करेगा तो आप बताएंगे कि देखो ये सर्कल है. आपका फेस देखो सर्कल, क्लॉक सर्कल है, रोटी देखो सर्कल में है, बिस्किट आपको बिस्किट पसंद है ना चॉकलेट वाले, वो गोल गोल वाले, वो भी देखो सर्कल है. तो उनको क्या बोलते हैं? सर्कल. ओ आपकी शर्ट के ऊपर बटन लगा हुआ है, बटन देखो ये भी सर्कल है. और ढूंढ के बताओ क्या है. अच्छा ये देखो बॉटल का जो कैप है वो सर्कल है. तो आप इस तरह से उनको ये बताएं, क्योंकि जो बच्चे 3 साल से 4 साल की उम्र में होते हैं, कुछ बच्चे जो उनसे हैं वो बोलना सीख जाते हैं, कुछ बच्चों की स्पीच इतनी अच्छी नहीं होती, तो वो उनके साथ आपने सिर्फ बातें करके उनको नॉलेज देनी है. ठीक है, लिखने का या दूसरा तीसरा कॉन्सेप्ट नहीं होता. पहले उनके साथ वर्बल कम्युनिकेशन होती है, पहले वो वर्बल पढ़ते हैं. और जैसे आप उनको यूं उनके हाथ से ट्रेस करते हैं, चलो ऐसे ऐसे करें सर्कल, सर्कल की क्या शेप होती है, चलो आप हवा में बना के बताओ यूं. फिर आप अपने पास वाइट बोर्ड रखें, हाथ में पेंसिल दें, उसका हाथ पकड़ के ऐसे करेंगे, देखेंगे देखो ये क्या है सर्कल, ये क्या है सर्कल, गोल गोल घूम के दिखाएं इसे सर्कल, टर्न अराउंड राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड सर्कल, द व्हील्स ऑन द बस गोज राउंड एंड राउंड. तो वो राउंड एंड राउंड क्या होते हैं, व्हील्स क्या होते हैं, सर्कल होते हैं. तो ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है. ठीक है, अब उन्होंने ये एक्टिविटी कर दी है कि सारे सर्कल्स को आप ट्रेस करें. ठीक है, उसके बाद इनमें से आप टिक करें. अब उन्होंने पहली शेप पढ़ाई है, उसके बाद आगे जनाब जी नंबर वन के ऊपर. ठीक है, और जैसे उन्होंने लिखा हुआ है कैट इज़ अ पेट एनिमल, फिर उन्होंने इसके बारे में बताया है. ठीक है, फिर उन्होंने यहाँ पे देखे लिखा है वंस देयर वॉज अ वन फरी कैट. ठीक है, हैड ब्लू आईज एंड वॉज बिट फैट, ड्रिंक मिल्क एंड सैट ऑन द मैट, ओ हाउ शी लव्ड चेजिंग द रैट. तो आप इस तरह से करके उनको स्टोरी सुनाएंगे, आप उनके साथ कोई कहानी इसी से रिलेटेड आप इसे एलेबोरेट कर सकते हैं, आप इसे राइम के. ये देखिए कैट फैट मैट रैट, राइमिंग वर्ड्स के अंदर उन्होंने बनाया हुआ है. तो इस तरह से आप पिक्चर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं. फिर आप पूछ सकते हैं आपके आपको कैट पसंद है नहीं पसंद है, आपने कहाँ पे देखी है. अगर आप स्कूल के अंदर पढ़ा रहे हैं तो ऑफकोर्स बच्चे पूछेंगे आपको कैट्स पसंद है, टीचर्स पूछेंगे आपको कैट्स पसंद है, कैसी होती हैं कैट्स, आपको अच्छी लगती हैं, किसी घर में पेट कैट है. तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्ट किया जाएगा. आगे अब उन्होंने नंबर गेम दी है. ठीक है, नंबर गेम क्या है कि उन्होंने यहाँ पे 2-3 डिफरेंट नंबर्स लिख दिए हैं और उनमें से आपने बताना है 1-1 कैसा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है. ये देखिए उन्होंने पहले पैटर्न दिए हैं आपको कि आप इसको ट्रेस करेंगे, यूं स्लांट लाइंस लगाएंगे. तो इससे बच्चे को कॉन्सेप्ट आता है कि सीधी लाइंस किस तरह से करके लगानी है, देन यू विल डू द ट्रेसिंग. फिर यहाँ पे उन्होंने एप्पल बनाया हुआ है, नीचे उन्होंने कहा है कि सेम एक ऑब्जेक्ट आप बनाएं और यहाँ पे आप ट्रेसिंग करें. ठीक है, छोटे बच्चे हैं आप जिनको स्टार्ट करा रहे हैं तो आप सिर्फ फिंगर से भी ट्रेसिंग कर सकते हैं. देखो वन कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट वन लाइक दिस, वन 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 वन. ठीक है, आप उनके फिंगर से उनको बोल सकते हैं चलो बेटा कम लेट्स ट्रेस इट, वन 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 कैसे लिखते हैं, वन जाता है नीचे की तरफ, ये देखिए इट गोज डाउन इट गोज डाउन इट गोज डाउन. ठीक है, तो अच्छा जी अब ये देखिए कि नंबर 2 है, नंबर 2 के साथ भी उन्होंने ऐसे राइम्स बनाए हुए हैं, बर्थडे वे रन फन. ठीक है, और यहाँ पे देखिए उन्होंने हर एक चीज़ के साथ कुछ ना कुछ उन्होंने एक अच्छी चीज़ दी है बच्चों को. गिविंग गिफ्ट इज़ अ गुड डीड, गिफ्ट देना एक अच्छी बात होती है. इसे आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, चलो बेटा आज मैं आपको बताऊंगी कि गिफ्ट देना अच्छी बात होती है, आपके बर्थडे के ऊपर आपको हमने गिफ्ट दिया था ना, आपको भी गिफ्ट देने चाहिए. ठीक है, तो नंबर 2 पे जो आज हमारे पास स्टोरी है वो गिफ्ट्स की स्टोरी है, गिफ्ट देना अच्छी बात होती है. अब नंबर 2 कैसे बनता है ये देखिए, गो राउंड एंड देन स्लीपिंग लाइन, गो राउंड एंड देन स्लीपिंग लाइन. फिर आप बच्चे की फिंगर पकड़ के बोलेंगे गो राउंड एंड स्लीपिंग लाइन. ठीक है, फिर आप कोई से भी 2 ऑब्जेक्ट्स उनके सामने रखेंगे, जैसे 2 पेंसिल्स, 2 शार्पनर्स, 2 इरेजर्स, 2 स्केल. ठीक है, या फिर हाउ मेनी फिंगर्स, 2 फिंगर्स, 1 2. सो 2 गोज राउंड एंड देन स्लीपिंग लाइन, राउंड एंड स्लीपिंग लाइन. ठीक है, इसी तरह से फिर आप उनको यहाँ पे एक्टिविटी करा सकते हैं कि फाइंड 2, तो वो फिर सर्कल करेंगे 2 पे. फिर आप ये देखिए क्योंकि यहाँ पे ये कर्व आ रहा है ना 2 के अंदर, तो उन्होंने यहाँ पे ये वेव्स दी हुई हैं ताकि बच्चे ने ये जो यूं करके बनाना है उसके अंदर उसे आसानी पैदा हो. ठीक है, तो इसी तरह से उन्होंने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं. आगे 3 इसी तरह से करके मैं आपको वो चीज़ दिखाना चाहती हूँ. कुछ नंबर्स के बाद उन्होंने क्या किया हुआ है ये देखिए, अब फिर से शेप आ गई है. पहले उन्होंने सर्कल शेप बताई थी, अब उन्होंने ट्राइंगल बताई है. पिज़्ज़ा की शेप ट्राइंगल होती है, केक का पीस जो आप कट करते हैं वो ट्राइंगल है, चीज़ का केक जो पीस है वो ट्राइंगल में आता है. ठीक है, इसी तरह से जो हट होता है ठीक है वो ट्रायंगल में आता है. फिर उन्होंने यहाँ पे दिया है कि आपने पैटर्न ट्रेस करना है. ठीक है, और साथ ही उन्होंने अब ये देखिए फाइंड द वे, ये थोड़ी सी एक फन एक्टिविटी है बच्चों के लिए ताकि उनको समझ में आए. तो फिर आप बोलेंगे आओ चलो इस रैबिट को यहाँ तक पहुँचाते हैं, उसके होल तक पहुँचाते हैं. ठीक है, तो फिर इस तरह करके आप बच्चों के साथ गेम्स खेल सकते हैं. फिर यहाँ पे उन्होंने स्क्वायर का कॉन्सेप्ट दिया है, फिर स्क्वायर की एक्टिविटी है. अब फिर देखिए नंबर 4 आ गया, इसी तरह से
अब नैरो और वाइड का कॉन्सेप्ट आ गया है, ठीक है, नंबर 5 आ गया, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, अब ये भी कॉन्सेप्ट आपको इस चीज़ से काफ़ी नॉलेज मिलेगी कि आप किस तरह से बच्चों के लिए मज़ीद एक्टिविटीज़ बना सकते हैं, इंटरनेट से, गूगल से सर्च कर सकते हैं। अब हाफ पार्ट ऑफ बॉडी जोन सी है वो एनिमल्स की आपने ढूंढनी है, तो एलिफेंट की एलिफेंट के साथ, डियर की डियर के साथ, जीब्रा की जीब्रा के साथ एंड लाइन की लाइन के साथ। अब नंबर की रिवीजन आ गई है, तो नंबर की रिवीजन उन्होंने करना सिखाया गया आप यहाँ पे। उन्होंने अब हाफ लिखे हैं, हाफ उन्होंने नीचे मीन्स डॉट में नहीं दिए कि आपने ट्रेस नहीं करने, अब आपने हाथों से लिखवाने हैं। इसके अंदर एक और जो मज़ेदार कॉन्सेप्ट मुझे ये लगा कि बिल्कुल हम लोग बच्चों को जो काउंटिंग सिखाते हैं सीधा 1 से लेके सिखा देते हैं जनाब जी 10 तक 20 तक, ये हमारा टारगेट होता है, ऐसा नहीं होता। जो ये पहले वाले स्मॉल टॉल शॉर्ट थिक थिन वाइड नैरो, उसके बाद नंबर 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1, फिर इसी तरह से कॉन्सेप्ट आप दे सकते हैं, सिर्फ 1 से लेके 5 तक बच्चे को काउंटिंग आप सिखाएं, फिर उसे बैकवर्ड काउंटिंग सिखाएं, फिर आप उसे कॉन्सेप्ट ग्रेटर देन का दें, फिर उसे आप कॉन्सेप्ट स्मॉलर देन का दें, फिर व्हाट कम्स इन बिटवीन का दें, लाइक 1 एंड 3, इन बिटवीन क्या आता है 2 3 एंड 5, व्हाट कम्स इन बिटवीन 4, ठीक है। इसी तरह से फिर आप चेंज कर लें 2 एंड 4, व्हाट कम्स इन बिटवीन 3। तो पहले आप 1 से लेके 5 तक बच्चों के साथ ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ करें, जब वो प्रो हो जाएं, मैचिंग करवाएं बच्चों को, ठीक है, 1 2 3। फिर बच्चों को ये बहुत मुश्किल होती है, बच्चों को वैसे काउंटिंग आ जाती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन बच्चों को ऐसे काउंट नहीं करना आता 1 2 3 4, और यूँ आपने यूँ 4 पे लिखवाया, ठीक है। तो पहले आपका टारगेट ये होना चाहिए 1 से लेके 5 तक बच्चे को स्ट्रेट जोन सी है वो काउंटिंग आए, फिर बच्चे को बैकवर्ड काउंटिंग आए, फिर उसको ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन पता चले, ठीक है, मीन्स जब उसको फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड काउंटिंग आ जाएगी तो फिर से पता चलेगा मीन्स के 4 बड़ा है या 2 बड़ा है। बेटा जो पहले आ रहा है 2 पहले आ रहा है, 4 बाद में आ रहा है, ठीक है, बाद में आने वाला नंबर जो है वो बड़ा होता है, क्योंकि 1 2 3 4, 1 2 3 4, समझ में आई है। इस तरह से करके और फिर उनको इन बिटवीन का कॉन्सेप्ट भी दें। ये आपने अगर 1 से लेके 5 तक कॉन्सेप्ट बच्चों को दे दिया तो आगे आपके लिए हलवा है, यानी आगे उनको पता है कि पहले वो फॉरवर्ड जाएंगे, बैकवर्ड जाएंगे, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इन्हीं के अंदर उनको जो है वो ज़्यादा मुश्किल होती है। तो ये मुझे इसका अच्छा कॉन्सेप्ट लगा कि इन्होंने 5 के बाद ही बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है। अब ये देखिए, ये 6 का वही हिसाब किताब है, उसके बाद शेप आ गई ओवल, ठीक है। अब ये देखिए, फिर इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, ये शेप है, शेप के बाद हार्ड एंड सॉफ्ट फीलिंग्स, टच की जो फील है वो किस तरह करके, हार्ड एंड सॉफ्ट का कॉन्सेप्ट दिया है इन्होंने। फिर उन्होंने ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया कि इनको सर्कल करें। फिर यहाँ पे जैसे नंबर 7 आ गया और ये नंबर 7 की ट्रेसिंग है, फिर शेप आ गई रेक्टेंगल, फिर रेक्टेंगल शेप से उन्होंने डोर बनाया है, सारे बच्चे यूँ करके बनाएंगे, आप उनके साथ ही एक्टिविटीज़ कर सकती हैं। नंबर 8 आ गया, आगे देखिए, अब हाफ एंड फुल का ये कॉन्सेप्ट जोन से हैं जो माएँ घर में बच्चों को पढ़ा रही हैं। हम सीधा क्या करती हैं, ए से लेकर जेड तक बच्चे को बड़ी ABC लिखनी आ जाए, छोटी ABC लिखनी आ जाए। हम ये चाहती हैं 1 से लेकर 20 तक बच्चे को काउंटिंग लिखनी आ जाए, अलिफ से लेकर ये तक बच्चे को जो सा है वो उर्दू लिखनी आ जाए। लेकिन आजकल का जो कॉन्सेप्ट है, जो एजुकेशन सिस्टम है, जो बुक्स आ रही हैं, वो डिफरेंट हो गई हैं। चाहे बच्चों को ये काम वो आहिस्ता आहिस्ता सीख लेंगे, लेकिन ये जो दूसरे कॉन्सेप्ट हैं, बिग हाफ फुल फोनिक्स मीन्स उर्दू में इंग्लिश में फोनिक्स, उनकी जो हाफ शेप्स हैं, जो उनकी साउंड्स हैं, उनसे बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो ये जो एक मॉन्टेसरी ट्रेन टीचर्स हैं उनको तो ये चीज़ समझ में आती होगी, लेकिन जो हम जैसी आम माएँ हैं, जो मतलब पहले पहले उनके बच्चे हैं, उनको नहीं समझ में आता। तो उनके लिए ये बुक इस हिसाब से अच्छी है कि इसमें आपको कॉन्सेप्ट बहुत मिल जाएंगे। उसके बाद आप जाएँ हाफ एंड फुल लिखें, हाफ एंड फुल वर्कशीट फॉर किंडरगार्डन या नर्सरी ग्रुप या प्ले ग्रुप, आपको इंटरनेट के ऊपर ढेर सारी मिल जाएंगी, आप उधर से डाउनलोड करें, उनको प्रिंट आउट कराएं, बच्चों को पढ़ाएं, ठीक है। ये देखिए, और फिर यहाँ पर उन्हें एक्टिविटी दे दी है। अब ये देखिए, हम पहुँच जाते हैं, अच्छा, अब उन्होंने सीधा 10 नंबर नहीं दिया, 9 तक आए, फिर उन्होंने 0 का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। 0 मीन्स नथिंग एट ऑल, दैट्स वाई 0 इज कॉल्ड, ठीक है। तो उन्होंने पहले 0 का कॉन्सेप्ट दिया है कि सर्कल है या ओवल है, उन्होंने ओवल शेप भी पहले जो है वो पढ़ाई है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने 10 का कॉन्सेप्ट दिया है, और यहाँ से ही आपने बच्चों को ये देखिए, उन्होंने दो डॉट्स हैं ना वो लगाना शुरू कर दिए हैं। यहाँ से बच्चों को कॉन्सेप्ट आपने देना है यूनिट एंड 10 का, स्टार्टिंग में ही बच्चे को, स्टार्टिंग में मीन्स 3 एज में तो बच्चा इतना नहीं समझेगा, लेकिन जैसे ही वो 10 के ऊपर आए तो आपने यूनिट एंड टेन का कॉन्सेप्ट देना है। अगर बच्चे को छोटी उम्र में ही यूनिट और 10 का कॉन्सेप्ट आ गया तो फिर जो आगे उसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है उसके लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो आपने बताना बेटा, जो ये इस साइड वाला डॉट है वो यूनिट वाला है और ये 10 वाला है। 0 से लेकर 9 तक सारे के सारे नंबर्स जो होते हैं वो यूनिट में आते हैं, और बाकी 10 में मीन्स उससे नीचे जो 2 नंबर्स होंगे नेक्स्ट नंबर 10 में आएगा, ठीक है। बस उनको अभी इतना ही कॉन्सेप्ट देना है। अब ये देखिए, अभी रीइन्फोर्समेंट जितना उन्होंने पढ़ाया
वो सारे का सारा जी कौन कौन सी शेप्स हमने पढ़ ली, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ओवल, इसी तरह से अब रिवीजन उन्होंने करा दी, ठीक है। और ये देखें फिर उन्होंने जब ये 10 बन गया तो उन्होंने ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया है कि ये पूरा 10s है, ठीक है। आपके पास वो जो ब्लॉक्स होते हैं उन ब्लॉक से आप बच्चों को ये बता सकते हैं, चलो आओ बेटा आप 10 बनाएं, पहले 1 एक ब्लॉक रखें, फिर एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक जोड़ें तो ये 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर ये 10 का एक पूरा ब्लॉक बन गया है, ठीक है। अब ये देखें फिल इन द ब्लैंक्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आगे पोइम्स आ गई, ठीक है, 1, 2 से रिलेटेड। अब ये देखें फ्रेंड ऑफ 10 कौन से ऐसे जाएँ, तो 1, 2, ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों तरह से उन्होंने किया हुआ है, ठीक है। काउंट फ्रॉम 1 to 10, ये उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, 1 एक डॉट है, 2 डॉट्स हैं, 3 डॉट्स हैं। बच्चों को समझ में नहीं आती, जिन बच्चों को काउंटिंग आती है फिर भी उनको ऐसे ऑब्जेक्ट काउंट नहीं करना आता, 1, 2, 3, 4, 5, बच्चे क्या कहते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, नहीं उनको बताना आहिस्ता आहिस्ता, नो बेटा स्लो स्लो, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब 11, 12 ये देखिए जितना 11, 12 आ रहा है आप ये देखें उन्होंने 2 डॉट्स दिए हुए हैं, और 10 तक बच्चा लिखना सीख गया तो अब उसे ज़्यादा ट्रेसिंग हेल्प की ज़रूरत नहीं है, अब वो नीचे खुद से लिखेगा, एक ब्लॉक 10 का आगे 1, तो ये हो गया 11, एक ब्लॉक 10 का एंड 1s कितने हैं 2, तो 1, 10 एंड 2, 1s इज इक्वल टू 12, ठीक है। 1, 10 एंड 3, 1s इज इक्वल टू 13, 1, 10 एंड 4, 1s इज इक्वल टू 14, 1, 10s एंड 5, 1s इज इक्वल टू 15। अब 11, 12, 13, 14, 15, फिल इन द ब्लैंक्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, काउंट एंड मैच, देन अगेन 1, 10 एंड 6, 1s इज इक्वल टू 16, 1, 10 एंड 7, 1s इज इक्वल टू 17, 1, 10 एंड 8, 1s इज इक्वल टू 18, 1, 10 एंड 9, 1s इज इक्वल टू 19, एंड 2, 10s मेक्स 20, रिविजन 16, 17, 18, 19, 20, एंड नाउ मैच ज्वाइन विद द डॉट्स एंड मेक दिस थिंग फाइन। सॉरी ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, बट इफ़ यू वॉन्ट अ प्रॉपर रिव्यू देन इट्स गोइंग टू बी लॉन्ग, ठीक है। अब ये देखिए अब ये पूरी आपने गिनती जो सी है वो लिखवानी है बच्चों को। अब आ गया कॉन्सेप्ट, जब 20 तक हो गई तो आप कॉन्सेप्ट आ गया इवन का एंड ऑड का, इवन एंड ऑड का, ठीक है, जो 1, 3, 5, 7 एंड 9, बस यही आपने बच्चों को याद कराना है, 1, 3, 5, 7 एंड 9 इज इक्वल्स टू ऑड, 1, 3, 5, 7 एंड 9 इज इक्वल्स टू ऑड, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0 इज इवन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये उनको एक्टिविटी करानी है कौन से इवन है कौन से ऑड हैं, फिर ये आगे 26 तक है, ठीक है, फिर आगे मेजरमेंट्स, ठीक है। अब मेजरमेंट्स कैसे हैं, मिल्क है, फ्लावर है, शुगर है, ऑयल है, तो कौन सा आप उनको केजी वगैरह में तो नहीं, आप स्पून में आप उनको बताएं कि आप स्पून से मैया करके डालते हो, जैसे किसी दिन आप केक बनाएं तो बच्चों को बताएं कि भाई ये इस तरह से आप कभी चाय बना रही हैं, देखो 1 स्पून, 2 स्पून ऑफ शुगर, इस तरह करके बताएं, ठीक है। अब ये देखिए कि यहाँ पे उन्होंने मेजरमेंट्स कैसे करके दिए, द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज इक्वल टू डैश पेपर क्लिप्स, हाउ मैनी 1, 2, 3, 4, 5, 5 पेपर क्लिप्स जितनी एक पेंसिल की लेंथ है, ठीक है। आपकी स्पून की लेंथ कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 पेपर क्लिप्स की एक स्पून की मेजरमेंट है। What comes before? अब ये देखिए यहाँ पे उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया वन का, जब उनको काउंटिंग आएगी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड तो फिर उनको ये भी समझ में आ जाएगा, 3 से पहले क्या आता है 2, 1, 2 एंड देन 3, ठीक है, या बैकवर्ड काउंटिंग उनको बोलें 3, 2, 9, 8, 11, 10, 8, 7, ठीक है, बैकवर्ड काउंटिंग इस तरह से करके उनको आ जाएगी। अब फिर वही है काउंट करें एंड लिखें, एंड ये देखिए फ्यू एंड मैनी के कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर बच्चों को हेल्प करता है। फिर 40 तक आ गए, 42 आ गया, अब ये देखिए, अच्छा अब ये सेट्स जो से हैं ग्रुपिंग सेट, ये व्हाट कम्स इन बिटवीन, अब ये मोर एंड लेस, ये भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आता है, व्हाट कम्स इन बिटवीन, अब ये देखिए मोर और लेस से ही अब आ गया एडिशन का, एड वन मोर, 2 में 1 मोर ऐड करें तो 3 आ जाता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। हम उनको बोलेंगे 2 एड 1 मोर इन 2 तो हम बताएंगे नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, जो नंबर हम बोलेंगे उससे नेक्स्ट नंबर, तो 2 है तो 3 आ जाएगा, एड 1 मोर इन 3 इट बिकम्स 4, ठीक है, इस तरह करके उनको कॉन्सेप्ट देना है। फिर काउंट 1, 2, 3, 4, फिर ये बच्चों को आपने कॉन्सेप्ट देना है 1, 2, 3, 4, जब प्लस आएगा तो फिर आपने स्ट्रेट काउंटिंग करनी है 1, 2, 3, 4, तो ये बहुत अच्छी है, आप स्टेप बाय स्टेप चलें इसे लेके, इसे कॉन्सेप्ट लेके आप मजीद एक्सरसाइजेस बच्चों को करवाते जाएं। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है टेक अवे, उधर 1 मोर था इधर टेक अवे है, 1 निकाल दें तो कितना आ जाता है, आपने आपके पास 3 कैंडीज हैं, आपने उसमें से 1 कैंडी खा दी तो आपके पास कितनी बची 2 कैंडीज, ठीक है। आगे उन्होंने मनी का दिया हुआ है, ठीक है, फिर लेफ्ट एंड राइट का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, पोजिशन दी हुई है, इन आउट, अप डाउन, फ्रंट बैक, ठीक है, बिगर नंबर, स्मॉलर नंबर,
डॉटेड करें, ऑर्डिनल नंबर्स क्या हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, एंड देन डे एंड नाइट, टाइम कॉन्सेप्ट, एंड देन सम एंड ऑल, ठीक है, एंड देन रिवीजन। सो ये देखिए, एंड एंड में उन्होंने जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसे भी करके आपको लिख के बता दिया एक के अंदर कितने होते हैं, तकरीबन 30 या 31 का कॉन्सेप्ट ये उन्होंने ऐसे ही रखा है कि कितने आप इसे, इस एक से आप उनको ये कॉन्सेप्ट दे सकते हैं कि ये देखिए कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, एंड देन उनको बताएं जनवरी का नंबर क्या है, 1, जनवरी 1, फरवरी 2, मार्च 3, अप्रैल 4, फोर्थ मंथ है। फिर आप उनको ये भी बता सकते हैं कि हाउ मेनी डेज इन वन मंथ, तो नॉर्मली 30 डेज होते हैं, तो इस तरह से आप बच्चों को कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो ऑल इन ऑल दिस इज़ एन ऑसम बुक जो आप ले सकते हैं, घर में बच्चों को पढ़ा सकते हैं, आपको इसमें एक्टिविटी कम लगती है, तो आप जो सा है इससे कॉन्सेप्ट लेके मज़ीद इंटरनेट से चीज़ें सर्च करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अगर आपने ये कंप्लीट किताब अपने 3 से 4 या 5 साल के बच्चे को पढ़ा दी तो उसके काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, जब वो स्कूल में जाएगा या जाएगी तो वो इंशाल्लाह काफ़ी कैपेबल होंगे कि जो कुछ टीचर्स उनको पढ़ा रही हैं वो उनकी समझ में आ जाए। एंड देन इट्स जस्ट 139 रुपीज़ में आपको पूरा सिलेबस मिल जाए, वो भी कलर्ड फॉर्म में मिल जाए, तो बस आपको इसकी बाइंडिंग ही तो करनी है। सो दिस वॉज अ रिव्यू ऑफ मैथमेटिक बुक्स, होप यू वुड लाइक इट। वीडियो लंबी हो गई है तो आई एम सॉरी, बट होप इट वुड हेल्प यू। तो चलिए, अपना रखिए ख्याल, दुआ में रखिए याद, और मिलते हैं किसी और बुक के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।